गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 3। नाउ टुडे वी विल डूइंग स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, हाउ इज फाइबर कन्वर्टेड इन टू फैब्रिक, फाइबर्स एंड टाइप, सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लोथ्स आर वन ऑफ द अवर बेसिक नीड्स। वी नीड क्लॉथ टू कवर अवर बॉडी। देखिए, जो कपड़े होते हैं वो हमारे बेसिक नीड होते हैं, इनसे हमारी बॉडी को कवर करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। ये हमारे ठंडी, गर्मी, बारिश और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। दे ऑल्सो गिव अस एन एलिजेंट लुक, और ये हमें बहुत अच्छा लुक देते हैं। मोर एवर, क्लोथ्स आर द सिम्बल ऑफ अवर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। यदि हम कहें तो जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे सोशल, सामाजिक और कल्चर बैकग्राउंड के सिम्बल्स होते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का इतिहास। द अर्ली मैन डिड नॉट नाउ हाउ टू मेक क्लोथ्स। आप सभी लोग जानते हैं या जानते हैं कि जो पहले के लोग होते थे वो कपड़ों के बारे में नहीं जानते थे, कपड़े क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। दे कन्वर्टेड देयर बॉडी विथ बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स। वो अपनी बॉडी को कवर करते थे पेड़ की छाल, ट्रीज ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स की स्किन से, पेड़ों की पत्तियों से। विद द पासेज ऑफ टाइम और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, पीपल बिगेन टू लर्न मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। लोगों ने बहुत कुछ सीखना शुरुआत कर दिया, जैसे इंक्लूडिंग जैसे एग्रीकल्चर के बारे में। दे लर्न हाउ टू वीव ग्रास एंड ट्विग्स इनटू नेट्स एंड बास्केट। उन्होंने सीखा कि किस प्रकार एक ग्रास से बास्केट और नेट्स बनाई जाती है। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ट्विस्टिंग कॉटन, और उन्होंने धीरे धीरे कॉटन को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फ्लीस एंड एनिमल्स हेयर इनटू लॉन्ग स्ट्रेंड्स। उन्होंने एनिमल्स की जो फ्लीस होता है, उनके जो हेयर होते हैं, उन्हें स्ट्रेंड्स करना शुरू कर दिया। दे यूज दिस लॉन्ग स्ट्रेंड्स टू वीव क्लॉथ और फैब्रिक, और धीरे धीरे उनसे उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया। सीन्स दे स्टील डिड नॉट नाउ स्विचिंग, दे सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड देयर बॉडीज। वो सिलना नहीं जानते थे तो उन्होंने सिंपल रूप से अपनी बॉडी को उस कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल द पीपल लर्न टू स्विच क्लोथ, और धीरे से इन्वेंशन नीडल का इन्वेंशन हुआ, सुई का इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने कपड़ों को सिलना भी सीख लिया। Now we have highly advanced tools and mechanic machines to make clothes of various design, pattern and colors. और आज के ज़माने में हम अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं कपड़ों बनाने की, उनको डिज़ाइन करने की, उनके अलग अलग कलर्स देने की। ओके, सो कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स एंड स्टाइल, फाइबर और उसके प्रकार। फैब्रिक इज प्रिपेयर फ्रॉम फाइबर। देखिए, जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से तैयार किया जाता है। फाइबर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो फाइबर्स होते हैं उन्हें दो ग्रुप में चेंज किया गया, नेचुरल फाइबर्स मीन प्राकृतिक फाइबर्स एंड सेकेंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स मतलब पौधे और जानवरों से नेचुरली प्राप्त होते हैं। और वेजिटेबल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, और कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर्स। इन्हें बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर्स। कॉटन, अब आता है कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर डेट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अब देखिए, जो कॉटन होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है। कॉटन मीन्स होता है रुई। आपने रुई देखी होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और वो पूरे सीड्स के आसपास, प्लांट के सीड के आसपास उगती है। इन हॉट वेदर वी नीड क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन। जो गर्मी का सीजन होता है उस समय हमें कॉटन कपड़ों की जरूरत पड़ती है। विच अलाउज बॉडी हीट टू स्केप, एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल।
जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्मी होने से बचाते हैं, हमारा जो पसीना निकलता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को में ठंडक बनाए रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्लैक्स। इट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फ्लैक्स। देखिए ये जो फ्लैक्स होता है वो बहुत सारे स्टॉक मीन्स होता है डंठल ऑफ फ्लैक्स प्लांट, जो प्लांट होते हैं उसके डंठल होते हैं उससे बनाते हैं। इट इज़ कॉन्सिडर टू बी द ओल्डेस्ट नेचुरल फाइबर, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नेचुरल फाइबर है। लाइनिन एंड एक्सपेंसिव टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट, और इन सब में लाइनिन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब आता है एनिमल फाइबर। फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो एनिमल्स के प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमल फाइबर। सिल्क एंड वूल आर टू इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर, और सिल्क और वूल होते हैं वो मेन इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर होते हैं। देखिए सिल्क इज बिलीव टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय अ चाइनीज प्रिंसेस। देखिए जो सिल्क हुआ था उसका डिस्कवर एक चाइनीज प्रिंसेस ने किया था। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म के कोकोन से मिलता है। सिल्क इज एन एक्सपेंसिव फैब्रिक, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बहुत महंगा होता है। फ्रॉम विच साड़ी शर्ट टाइज एंड स्कार्फ्स आर मेड, जिससे क्या बनाए जाते हैं, साड़ी शर्ट वगैरह बनाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट वूल। वूल मीन्स होता है ऊन। चलो अब आता है वूल क्लोथ डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप एंड कीप द बॉडी वार्म। देखिए जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में हीट को अलाउ नहीं करते और हमारी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं। वूल इज मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, और जो ऊन होता है वो हमें मुख्य रूप से शीप के बालों से मिलता है। इन स्मॉल क्वांटिटीज वूल इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कैमल गोट्स रेबिट्स याक्स एट्सेट्रा, और एक छोटी मात्रा में वूल हमें कैमल्स ऊंट बकरी रेबिट्स इनसे भी प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। दिस फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम केमिकल्स बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए ये जो फाइबर होता है ये केमिकल द्वारा बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा। दिस फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, और इस फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिस्टर नायलोन एंड एक्रीलिक, ये सभी क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर डू नॉट रिंकल इजिली, सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड डू नॉट रिंकल इजिली, रिंकल नहीं हो पाते हैं, ड्राई इजिली दुख सूख जाते हैं एंड आर नॉट अटैक्ड मंथ्स और माउल्ड्स, और क्या होता है उसके ऊपर मॉथ्स एंड माउल्ड भी अटैक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके सम डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर डेट दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू द इजिली। देखिए अब इसका एक डिसएडवांटेज भी क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का, कि इसके अंदर एयर इजीली पास नहीं हो पाती है। डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड कैच फायर इजीली, और ये क्या होते हैं पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इसके अंदर इजीली आग पकड़ लेती है। ओके तो ये होते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज फाइबर कन्वर्टेड इंटू फैब्रिक। अब जो फाइबर होता है वो फैब्रिक में किस प्रकार कन्वर्टेड होता है। ऑब्जर्व यू हैंडकरचीफ क्लोजली, आपने ऑब्जर्व करना है आपका जो हैंडकरचीफ है हैंकी उसे। यू विल नोटिस अ नेटवर्क ऑफ क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स, आपको क्या करना है उसे क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स के रूप में बनाना है। द थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न, उसी थ्रेड्स को क्या बोलते हैं हम यार्न बोलते हैं। यार्न इज वोन टू फ्रॉम क्लोथ और फैब्रिक, और जो यार्न होता है वो कपड़े बनाने में कपड़े से मिलता है, कपड़े बनाने में यूज होता है। देखिए द थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम देयर फ्लूफी स्ट्रेन कॉल्ड फाइबर्स। अब जो थ्रेड्स होते हैं वो काय से बनाए जाते हैं, फ्लूफी स्ट्रेन्स फाइबर्स से बनाए जाते हैं जिन्हें फाइबर्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स और यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, और जो थ्रेड्स बनाने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं, फाइबर से जो थ्रेड बनाने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग कैन बी डन बाय अ हैंड स्पाइंडल, और जो स्पिनिंग होता है वो हाथों के द्वारा हैंड स्पाइंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होती है विच इज लाइक अ लॉन्ग नीडल, एक लॉन्ग नीडल सुई जैसी होती है लंबी, जिसे बोलते हैं हैंड स्पिंडल। स्पिनिंग व्हील चरखा और स्पिनिंग मशीन्स इन द प्रोसेस
थिन फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म थ्रेड और यार्न। इस प्रोसेस में एक मोटे से फाइबर को ट्विस्टेड किया जाता है, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड किया जाता है एंड थ्रेड और यार्न, और उसे थ्रेड और यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न बाय आइदर वीविंग और नीटिंग। और जो फैब्रिक होता है उसे यार्न बाय वीविंग और नीटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू डू दिस बट द मेन प्रोसेस आर गिवन हियर। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है लेकिन यहाँ पर कुछ मेन प्रोसेस दी गई है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।